करता है घोटाला, ये टाइटल है तुम्हारा। पाछे वाला हो, पाछे वाला। बकोटन लाल चौताला, आ चप्पल जूता के कोरी ने घोटाला। बहुत बढ़िया टाइटल है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? पिताजी के? हाँ बाबूजी के। बाबूजी के आए? फादर यानी पिताजी, बाबूजी। बोका महतो, बोका महतो। तुम्हारा माताजी का? बकरी देवी। बकरी देवी, हाँ बकरी देवी। एक हमार बहनो भी है छोट, कहत रही हमू पढ़े जाम, हमू पढ़े जाम, नाम निपाठी ना होकर पठिया। और भाई भी है? हाँ। भाई का क्या नाम है? कठरुआ है, बेहुद्दा कठरुआ छोटी बा। तुम्हारा सारा खानदान जानवर है का? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम एडमिशन कर दे रहा हूँ, चलो आके बैठो। तो बच्चा लोग स्कूल में तो इनका एडमिशन हो गया, तो सबसे पहले तुम लोग अपना हाजिरी बोलो, मैं तुम लोग का अटेंडेंस बना दे रहा हूँ, ठीक है? साहिल कुमार, कास्तिक कुमारी, तूफान सिंह, काजल कुमारी, जी आर पी, संजना कुमारी, रैम्बो, अंजलि कुमारी, जयकी कुमार, अनीता कुमारी। अरे जोर से बोलो, खाना खा के नहीं है क्या? विजय कुमार, चांदनी कुमारी, राहुल कुमार, मुस्कान, सप्त क्रांति, ज्योति, प्रीति कुमारी, विकी कुमार। हाँ बहुत ज्यादा खाना खा के आए यही। अरे ऐसे ही हाजिरी ना बोला जाता है। बाकी कुमारी, ये कहाँ खो गई थी जी? अरे सारा लोग अपना हाजिरी बोल रहा है और ये लगता है कि अपने घर पे है। तो स्टूडेंट सब, तुम लोग तो जानते हो कि परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है, तो मैं बारी बारी से सभी लड़कों से एक एक सवाल करूंगा, और मुझे ये जानना है कि कौन लड़का कितना पढ़ाई किया है। तो सबसे पहले मैं तूफान सिंह, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा सही कह रहे हो साहिल, ये स्कूल में जो भी लड़का पहली बार आता है ना, तो उसका टेस्ट लिया जाता है। ए बकोटन लाल खड़ा हो जाओ। अच्छा ये बताओ कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है कि जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ है? नेपाल सर, नेपाल। वाह वाह, अरे सब लोग समझता है कि बकोटन लाल बुर्बक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। ठीक है बकोटन लाल, अपने जगह में आकर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तूफान सिंह से पूछूंगा। तूफान सिंह खड़े हो जाओ। तो तुम ये बताओ, हमारा देश जो अंग्रेजों का गुलाम था, वो अंग्रेज किस देश और किस प्रांत से आए थे हमारे देश में? सर मुझे इस सवाल के जवाब याद है, लेकिन मैं आज नहीं, मैं आपको कल बताऊंगा। तूफान सिंह, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ, मैं आपसे इस समय सवाल पूछ रहा हूं, तो जवाब भी तुमको इसी समय देना होगा। सर
शायद आप जानते नहीं, यह स्कूल मेरे पिताजी ने बनवाए हैं और इस स्कूल का मालिक ठाकुर तूफान सिंह है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ठाकुर तूफान सिंह का हुकूमत चलेगा। कोई बात नहीं बेटे, कहते हैं धन का बढ़ा ठीक लेकिन मन का बढ़ा नहीं ठीक। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम अपने जगह में जाकर बैठ जाओ। साहिल तुम खड़े हो जाओ। मुझे मालूम है कि तुम इस स्कूल का सबसे तेज और होनहार स्टूडेंट हो। तुम इस सवाल का जवाब जरूर बताओगे। जी सर, आप यही सवाल किए हैं ना कि सन 1947 से पहले हमारा यह भारतवर्ष किसी अंग्रेजों का गुलाम था और जो अंग्रेज हमारे देश पर आकर शासन कर रहे थे वह अंग्रेज किस देश, किस मुल्क, किस फ्रांस से आए थे? सर वह अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे। हमरा से पहले काहे ना पूछे नहीं, हम ही बता देती। तुझे भी मालूम है? हां बेटिया तीन लंदन से आई रहल सन। अरे बेहुदा, अंग्रेज तीन लंदन में आए थे? हां बेटिया तीन लंदन से। तीन लंदन से थोड़ी आए थे, अरे वो विदेश से आए थे। अरे हमारे देश में वो लोग आए थे बिजनेस करने के माध्यम से, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं ना, बहुत सीधे साधे लोग थे। उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया और कहते हैं ना कि उंगली पकड़ते पकड़ते गर्दन पकड़ लिया, उसी तरह उन लोगों ने भी हमारे देशवासियों के साथ किया। ठीक है तो बैठ जाओ। तो दूसरा क्वेश्चन होगा कश्ती से। कश्ती तुम खड़े हो जाओ। कश्ती तुम ये बताओ कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। बिल्कुल सही है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा काजल जी से। काजल तुम खड़े हो जाओ। काजल तुम ये बताओ कि हमारा देश जब आजाद हुआ